Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So, today I'm going to take one more interesting story, and through this English story, you will learn tenses, vocabulary, pronunciation, and how to do perfect reading. So, without wasting time, let's start. So, िन था ये छोटा सा जो मेमनी है इसे यहाँ परिन so, था और वो बहुत अच्छे से खेला करता था कूदता था जम्प करता था स्किट मतलब कूदना और अपनी छोटे छोटे से पाँव में और बहुत ज्यादा मज़े किया करता था वन डे ही सैट ऑफ टू विजिट हिज ग्रैनी ही विद जॉय टू थिंक ऑफ ऑल द गुड थिंग्स ही वुड गेट फ्रॉम हर जस्ट दैन ही मेड अ चैकल हु लुकड एट हिम हंग्रीली एंड सैड लैम्बिकन लैमबिकेन आई विल ईट यू सो एक दिन जब वो अपनी दादी से मिलने के लिए जा रहा था ग्रैनी मतलब दादी दादी से मिलने के लिए जब जा रहा था बड़ा मुस्कुराता हुआ अच्छी अच्छी खुश होते हुए अच्छी अच्छी बातों को सोचते हुए जो उसके साथ वहाँ से होने वाला है जब वो दादी के जाएगा तो वहाँ क्या क्या होने वाला है क्या खाने पीने वाला है जो भी है उसको सोच कर वो बहुत ज़्यादा खुश था जस्ट देन जैसे ही वो ये सब सोच रहा था अचानक उससे जो है एक जैकल मिल गया जैकल मतलब ये सियार जिसे हिंदी में कहा जाता है तो एक जैकल से उसकी मुलाकात हो गई और वो बाहर बहुत ज्यादा जो है भूखा था तो उसने कहा लैम्बिकिन मैं तुम्हें खाऊंगा बट द लैमबी ओनली गेव अ लिटिल फ्रिस्क एंड सैड टू ग्रेन इज हाउस आई गो वेर आई शेल फैटर ग्रो दैन यू कैन ईट मी सो तो लैम्बिकन ने सिर्फ इतना सा ही छोटा सा जवाब दिया और वहाँ से धीरे धीरे खिसक लिया फ्रिस्क मतलब धीरे धीरे जो है जब हम छोटे छोटे स्टेप के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं और उसे चालाकी से जवाब देते हुए जब निकलते हैं फिसलाते हुए तो उसने ऐसा फ्रिस्क करते हुए कहा कि वो जो है अभी ग्रेनी के हाउस जा रहा है और वहाँ पर जाकर वो जब मोटा ताज़ा हो जाएगा तब तुम जो है मुझे खा सकते हो जब तुम्हें जो है खाना चाहिए द जैकल दिस वॉज रिजनेबल एंड लेटम लैम्बिकिन पास तो जैकल ने सोचा हाँ बात तो सही है बिल्कुल रिजनेबल मतलब अच्छी बात है इसमें कोई गलत बात नहीं है मोटा ताजा होगा तब तो खाने में ज्यादा मजा आएगा तो उसने क्या किया लैम्बिकिन को वहां से जाने दिया दैन ही मेड अ वर्ड एंड दर्चर टूक लुकड हंगी एट एंड सैड यू तो उसके बाद उसकी मुलाकात रास्ते में गया वर्ल्चर से हुई वल वल्चर वर्ल्चर मतलब जो आसमान में जो आपने देखा होगा एक बर्ड होता है घड़िया जिसे कहते हैं जो अक्सर जानवरों को या खाता हुआ जाता है तो वल्चर को जो है दिखा तो वो भी बहुत ज्यादा भूखा था तो उसने कहा लैमबिकन लैमबिकिन मैं तुम्हें खा जाऊंगा बट द लैमबिकन ओनली गेव अ लिटिल फ्रिस्क एंड सैड टू ग्रेनीज हाउस I go where I shall फेट grow, दैन you can eat me so. तो उसने भी उसे वही जवाब दिया जो उसने सभी को दिया था कि वो जो है दादी के घर जा रहा है वहाँ पर वो खूब खाएगा मोटा ताजा हो जाएगा तब शायद तुम्हें मुझे खाना चाहिए द वर्चर था रिजनेबल एन लेट द तो वर्चर ने भी सोचा बात तो सही है इसमें गलत बात नहीं है तो उसने भी उसे जाने दिया अलोंग द वे

बट ऑल ऑफ देम द लैंबिक कैन रिप्लाइड विद अ लिटिल फ्रिस्क टू ग्रेनीज हाउस आई गो वेयर आई सेल्फ एटर ग्रो देन यू कैन ईट मी सो तो उसने भी वापस वही जवाब दिया कि भाई मैं दादी के घर जा रहा हूँ, वहां पर खूब खाऊंगा खूब मोटा ताजा हो जाऊंगा तब शायद तुम्हें मुझे खाना चाहिए एट लास्ट ही

उसने अपनी दादी से कहा प्रिय दादी मैं जो है प्रॉमिस प्लीज प्रॉमिस करो मुझसे कि मैं बहुत जल्दी जो है बहुत ज़्यादा मोटा हो जाऊँ इसीलिए आप मुझे जो है बहुत सारा जो है खाना खिलाओ कौन मतलब यहाँ अनाज से है खाने से है तो प्लीज़ मुझे जो है बहुत ज्यादा जो है खाना वगैरह दो ताकि मैं अच्छे खासा सा मोटा हो जाऊं इस ग्रैनी सेड ही वॉज अ गुड बॉय एंड लेट द कॉर्न ही वॉन्टेड टू

और वो बड़ी मुश्किल से अब स्केयर्सली वेडल मतलब इतनी मोटा हो गया कि उससे स्टेप भी नहीं चला रहा छोटे छोटे वेडल मतलब छोटे छोटे जो है स्टेप होते हैं चलना वो बड़ी मुश्किल से छोटे छोटे स्टेप चल पा रहा था इस ग्रैनी सैड ही वॉज फेट इनफ नाउ एंड मस्ट गो होम अब उसकी दादी कह रही है भाई बहुत ज्यादा मोटे हो चुके हो अब तुम्हें घर जाना चाहिए बट द क्लेवर लिटिल लैम्बिकिन सैड दैट ही वुड नुड बी श्योर टू ईट हीम ऑन द वे बैक ही वॉज सो प्लम्प एंड टेंडर सो लेबिकिन काफी क्लेवर था छोटा उसने कहा वो ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि कुछ एनिमल्स है रास्ते में गारंटी है कि वो उसे खाने के लिए जरूर आएंगे और खा जाएंगे क्योंकि जब वो रास्ते में जाएगा तब उसे वो मिलेंगे और वो अब जो है काफी प्लंप एंड टेंडर हो गया मतलब मोटा ताजा जो है वो हो चुका है सॉफ्ट और मोटा ताजा अच्छा खासा हो चुका है आई विल टेल यू व्हाट यू मस्ट डू सेट द लैंबिकेन यू मस्ट मेक अ लिटिल ड्रमबीकेन सो दादी कहती है भाई एक काम करो लैंबिकेन कह रहा है अपनी दादी से कि प्लीज एक काम करो यू मस्ट मेक अ लिटिल ड्रमिंग किन ड्रमिंग किन मतलब एक छोटा सा जो ड्रम है उसको बना दो मेरे लिए अपनी दादी से कह रहा है भाई एक काम करो मेरे लिए तुम जो है वो क्या बना दो एक साइड एंड रोल अलोंग नाइसली फॉर आई एम एस टाइट एज अ ड्रम माइ सेल्फ सो वो कह रहा है कि भाई प्लीज ऐसा जो है आ,

और लेमी के बिल्कुल मुड़ता हुआ कर्ल करता हुआ अपने आप को अच्छे से स्नग मतलब प्रॉपर वे में अच्छे से आराम से जो है अंदर आ गया और वहाँ पर आराम से वॉम इन द मीटर और आराम से बीच के अंदर जो है लेट गया एंड रोल्ड अवे और उसे घुमाते घुमाते गैली मीन्स खुशी खुशी जो है उसको ले जा रहा है और जल्दी ही रास्ते में उसकी मुलाकात ईगल से हो गई और उसने बोला

तो उसने कहा वो तो आग के अंदर गिर गया तो तुम क्या करोगे ऑन लिटिल ड्रमकिन तुम क्या छोटे से ड्रम के साथ करोगे टम टू टम टू हाउ वेरी अनोइंग साइड द ईगल थिंकिंग सैडली ऑफ द टेंडर मेल ही हैड लेट स्लीप तो वो बड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया अनोइंग मतलब बहुत चिड़चिड़ा हो गया है बात सुनकर और उसने आह भरी शाही मतलब आह भरना ईगल ने आह भरी ये सोचते हुए कि अरे कितनी दुख की बात है इतना अच्छा मेरा खाना था मैंने उसे मिस कर दिया हाथों से निकाल दिया रोल्ड लाफिंग टू हिमसेल्फ एंड सिंगिंग टुम पै टू टम पै सो लैमिक जो है घूमते हुए अपने ड्रम को घुमाते हुए हंसते हुए और गाते हुए जा रहा था गाने में वो ये गा रहा है

क्योंकि उन्होंने सभी ने वो अच्छा खासा जो खाना था उसको मिस कर दिया एट लास्ट द जैकल ही टू आउट उसके बाद जैकल जो शियार था वो धीरे धीरे कदमों के साथ उसके पास आया और वो इतना तेज था जितना कि सुई होती है और उसने पुकारा द ड्रमिकिन उसने भी यही सवाल पूछा कि ड्रमिकिन ड्रामिकेन क्या तुमने लैमिकिन को देखा है एंड द लैमिकिन कर्ल्ड अप इन इज वार्म लिटिल ने रिप्लाइड गेली और वो खुश होते हुए उसने जवाब दिया फॉलन इन टू द फायर एंड सो विल यू ऑन लिटिल रमिकिन इन टुम्पा टुम्पा और उसने भी उसे वैसे ही जवाब दिया बट ही नेवर गोट एनी फर्दर फॉर द जैकल रिकोगनाइज हिज वॉइस एंड वॉस एंड क्राइड हुलो यू हैव टर्न यूर सेल्फ इन साइड आउट हैव यू जस्ट यू कम आउट ऑफ दैट वेर अपाउं ही टोर ओपन द ड्रमिकिन एंड ग्रामिकिन उसके बाद वो थोड़ा सा आगे भी नहीं गया था कि जैकल ने उसकी आवाज़ को पहचान लिया और तेजी से चिल्लाया हे hey, हेलो हुलो मतलब हेलो ही होता है हेलो तुमने अपने आप को इसके अंदर डाल रखा है क्या तुम ही हो ना जो अंदर हो जल्दी से तुम बाहर आओ इससे और उसके बाद उसने उस ड्रमिकिन को फाड़ दिया और उसको जो है निकल लिया गॉबल्ड ऑफ द लैमबिकेन और उसको तोड़ फाड़ के और निकल गया तो फाइनली जेकल ने अपने शिकार को जो है हड़प लिया तो इसीलिए कहा जाता है अपने आप को ही ज्यादा होशियार नहीं समझना चाहिए दुनिया में हजारों ऐसे इंसान होते हैं जो अपने आप में तेज होते हैं माना कि कभी कभार लोग हमें जान इग्नोर कर देते हैं सब कुछ देखते हुए भी तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि दुनिया में सिर्फ आप ही होशियार हो तो इसीलिए हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए क्योंकि ओवर स्मार्ट हमेशा इंसान को मरवाता है फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेटिंग वीडियोज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नास पाठशाला थैंक यू टेक केयर एंड बी सेफ एट होम